स्टार्ट करें। हाँ जी, स्टार्ट हो चुका है। बस मैं मार्क अनाउंसमेंट कर लूँ उसके बाद। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सबसे पहले तो आप सबको वार्म वेलकम हमारी तरफ से। आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, और जैसे कि ये तो एक जो है ना, कह लें कि एक जैसे अभी कोरोना आया हुआ है तो सब लोगों की जॉब्स का इशू चल रहा है, बाहर कोई नहीं जा सकता। तो आई थिंक आप लोगों के लिए ये बेस्ट होगा कि आप ई रोज़गार को आप इस टाइम ज्वाइन कर रहे हैं। आप अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकते हैं, आप अपना कैरियर घर बैठे बना सकते हैं। और थोड़ा सा ये इशू हुआ है कि फिजिकल होना था बट ऑनलाइन हो गया, तो आपने इस चीज़ को ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी। हम लोग हैं आपकी हेल्प के लिए। आपको कोई भी इशू होगा हम आपके सारे इशू सॉल्व करेंगे। इस चीज़ की कोई टेंशन नहीं लेनी कि ऑनलाइन हो रहा है फिजिकल नहीं है, तो शायद आपको उस तरह से सपोर्ट ना मिले या कुछ भी ऐसी चीज़ें होंगी, तो उस चीज़ से आप बेफिक्र रहें। इंशाल्लाह आपकी सारी क्यूरी सॉल्व होंगी, आपको हर एक चीज़ प्रोवाइड की जाएगी, आपको सपोर्ट प्रोवाइड की जाएगी, और आप इंशाल्लाह हम आपको अपना बेस्ट देंगे। और हमारे साथ हैं हमारे लैब मैनेजर हैं, तो उनको भी इंट्रोडक्शन करवा देते हैं। सर प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आप सब ट्रेनियर्स का को वेलकम करते हैं कि आपने नॉन टेक्निकल क्लासेस ज्वाइन की। और मेरा नाम असद कुरैशी है। पिछले 2 हफ्ते से मैं आपके साथ कांटेक्ट में हूँ, मैसेज इंटर कॉल्स के जरिए और फेसबुक ग्रुप के जरिए। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है मैनेजेरियल किसी भी किस्म की ग्रुप में, तो आपने मुझसे डिस्कस करना है, मियाँ वाले के जितने भी स्टूडेंट्स हैं। और कोई भी स्टडी के हवाले से कोई चीज़ समझ नहीं आ रही आपको, तो आपने मैम से डिस्कस करना है, मुकद्दस मैम मैडम जो है आपने इनसे डिस्कस करना है, ठीक है। बदतर में अगर किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम आती है तो उन्होंने अपने लैब मैनेजर ने कहा शली साहब से रब्ता करना है। अच्छा, और कुछ चीज़ें हैं, आपने जैसे ही क्लास स्टार्ट होगी आपने अटेंडेंस लाजमी लगानी है, ठीक है। ड्यूरिंग क्लास जो 2 घंटे की क्लास होगी उस टाइमिंग के अंदर आपने अटेंडेंस लगानी है। और हमारा वीकली फीडबैक होता है थर्सडे और फ्राइडे को, आपने वीकली फीडबैक भी लाजमी देना है क्लास के हवाले से, जिसमें जो ट्रेनर है उनका आपने फीडबैक देना है लैब मैनेजर का, और जो ऐसे नहीं हमारे साथ होंगे मुकम्मल टीम के साथ होंगे उनका आपने फीडबैक देना है। क्लास में कोई भी प्रॉब्लम आती है आपने डिस्कस करना है। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती तो अगेन अगेन एंड अगेन आपने पूछना है, ठीक है। तो मैं अगेन बता देता हूँ कि अगर मैनेजेरियल कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है, अटेंडेंस में कोई प्रॉब्लम आती है, ग्रुप ज्वाइन नहीं हो रहा, अटेंडेंस नहीं लग रही, फीडबैक आपसे नहीं दिया जा रहा, या कुछ भी एनी वन, ठीक है, तो आपने मुझसे डिस्कस करने। हमने यहाँ पर एज अ फैमिली की तरह रहने, ठीक है। जितने भी स्टूडेंट्स हैं आपस में एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी है, एज अ फैमिली रहने। आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है आपने शर्म नहीं करनी, डरना नहीं है, ठीक है। एज अ फैमिली आपने हमसे डिस्कस करना है और हम यहाँ पर आपके प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हाजिर हैं, ठीक है। नंबर ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा लैब मैनेजर्स का, तो आप हमें व्हाट्सएप पे भी रब्ता कर सकते हैं, जीमेल के थ्रू भी रब्ता कर सकते हैं, और फेसबुक पर भी इनबॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू। निकास जी, यहाँ ओवर पे टू यू। कुछ लोगों का जो है नाम शो नहीं हो रहा, फेसबुक यूज़र हो रहा है, तो वो काइंडली अपना जो है ना वो लिंक ओपन कर लें। डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है streamyard.com/facebook, तो वहाँ पे आप अलाउ कर दें ताकि आपका नाम भी आए और DP वगैरह भी पता चले कि किसका कमेंट है। लगते हैं नकार साहब का इंटरनेट अभी सॉल्व नहीं हुआ प्रॉब्लम। सही। अच्छा चले, हम थोड़ा सा अपना जो है ना कोर्स की तरफ चलते हैं कि यहाँ पे अब काफ़ी सारे लोग 28 तो आ ही चुके हैं। तो अच्छा, आप लोगों ने जब आए होंगे ऑब्वियसली रोजगार में, तो कुछ ना कुछ तो आपको आइडिया हुआ होगा कि आप किस तरफ जा रहे हैं, फ्रीलांसिंग क्या है। यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों का जो है ना फेसबुक यूज़र आ रहा है, काइंडली मैं रिपीट कर रही हूँ, आपको जो लाइव स्ट्रीम है उसके डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा लिंक, वहाँ पे जाके आप प्लीज़ जो है ना नेम अलाउ कर दें ताकि पता चले कि ये कौन कौन से लोग आ चुके हैं, आपका नेम शो हो जाए और अटेंडेंस भी मार्क कर लें। अच्छा, यहाँ पे कोई मुझे बता सकता है कि फ्रीलांसिंग है क्या, या किसी को कुछ आइडिया हो इसके बारे में तो शेयर करना चाहिए।
और एक चीज़ और भी, आप लोग जो है ना माइंड मेकिंग, आपने अपना बैकग्राउंड, अपना कैमरा, अपना माइक वगैरह फिट रखना है। मैं जो है ना यहाँ पे लाइव भी लूँगी स्टूडेंट्स को, अगर किसी को समझ नहीं आ रही, किसी का कोई क्वेश्चन है जो कि काफ़ी लोगों का इस तरह से इशू आ रहा है, तो मैं किसी न किसी को लाइव लूँगी और वो फिर इस तरह से हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये फिजिकल नहीं है तो ऑब्वियसली यहाँ पे मुश्किल हो जाएगा इस तरह से ऑनलाइन सारी चीज़ें बताना। तो मैं किसी न किसी स्टूडेंट को लाइव भी लूँगी, तो आपने अपना जो है माइक कैमरा वो सेट रखना है। यहाँ पे मुझे कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा, यहाँ पे भी सारे फेसबुक यूजर ही आ रहे हैं, प्लीज आप लोग अपडेट कर लेने और फिर हम लेक्चर की तरफ मूव करते हैं। यार लेक्चर से पहले थोड़ा सा मैं अपना भी इंट्रोडक्शन करवा देती हूँ। वैसे मैं थोड़ा सा वेट कर रही थी कि मुझे स्टूडेंट्स आ जाएं तो हम प्रॉपरली स्टार्ट करें, बट ऑलरेडी 10 मिनट हो चुके हैं। ये किसी ने यहाँ पे कमेंट किया है और सेम फेसबुक यूजर, आई डोंट नो क्या नाम है उनका, कि फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम अपने स्किल्स को शो करवाते हैं और अर्न करते हैं बाय स्किल्स। जी बिल्कुल, हम अपने स्किल्स के जरिए अर्निंग करते हैं। प्लेटफॉर्म तो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म नहीं है, डिफरेंट प्लेटफॉर्म हम यूज़ करते हैं फ्रीलांसिंग में और हम उससे जो है अर्निंग करते हैं। बिल्कुल सही है, नेचुरली हर इंसान में कोई ना कोई स्किल ज़रूर होती है, बस उसको पॉलिश करने की ज़रूरत होती है, उसको मज़ीद निखारने की ज़रूरत होती है। और अगर आपके पास स्किल है तो अर्निंग आज के दौर में सबसे ज़्यादा आसान है, अगर आपको पता है कि आपने अपने स्किल कैसे यूज़ करनी है। अच्छा मैं थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन करवा देती हूँ। मेरा नाम मुकद्दर समीर है और मैं मियावाली से बेसिकली हूँ, और मेरी सिलेक्शन जो एज ए ट्रेनर हुई है वो बखर सेंटर के लिए हुई है। सर अटेंडेंस मार्क नहीं हो रही, यहाँ पे कमेंट आया तो काइंडली वो गाइड कर दें। सर आपने म्यूट किया हुआ है। मैं सभी रेस्पॉन्स ओपन कर दिए, ठीक है। तो ड्यूरिंग क्लास अटेंडेंस मार्क होगी, तो हर किसी ने बक्कर के स्टूडेंट्स ने अपना सेंटर चूज करना है और मियाँ वाली ने अपना, ठीक है। अभी मैंने रेस्पॉन्स ओपन कर दिया, जब क्लास स्टार्ट हुई है तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। और मैं एक और चीज़ ऐड करनी है, अगर किसी को सॉफ्टवेयर के हवाले से कोई प्रॉब्लम आती है तो अवैध रशीद हमारे ऐसे नहीं है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ने उनसे रब्ता करना है, उनका नंबर भी ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा। अगर किसी को किसी भी सॉफ्टवेयर के हवाले से जो आप सजेस्ट करेंगे प्रॉब्लम आती है, तो उन्होंने अवैस रशीद से रब्ता करना है। और मैनेजेरियल कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क में प्रॉब्लम आती है तो आपने हमसे रब्ता करना है, ठीक है जी। ठीक है, चल। ये नेम का जो मैंने बताया वो ये है कि यहाँ पे जो लाइव स्ट्रीम कभी पोस्ट हुई है ग्रुप में, वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा streamyard.com/facebook, उस पे आप क्लिक करेंगे तो वो आपसे परमिशन लेंगे कि आपका नेम शो हो जाए। तो आप वहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका नेम शो होना शुरू हो जाएगा और अटेंडेंस अब मार्क होना स्टार्ट हो जाएगी। सर ने रिस्पॉन्स ओपन कर दिया, काइंडली आप दोबारा ट्राई कर लें। अच्छा तो मैं अपने बारे में थोड़ा सा जो है इंट्रोडक्शन करवा रही थी, तो मैं भी मियांवाली से हूँ जो कि बखर की तरह ही एक बैकवर्ड एरिया है, और मैंने स्टार्ट लिया था ऑनलाइन काम में 2010 में, और वो भी जो था मतलब कुछ मुझे सही से समझ नहीं आ रहा था, गाइडेंस नहीं थी सर, कोई इस तरह से रोजगार की तरह कोई ऐसा नहीं था कि होता कि वहाँ पे जाकर ट्रेनिंग लो या इस तरह से बंदा जाके सीख सकता और वहाँ से अर्न करता। तो खैर मैंने 2010 में स्टार्ट लिया, तो तब टाइम जो था वो ज़माना इस तरह से था कि लोग फेसबुक आईडीज भेजते थे, और इसके अलावा जो था मतलब इस तरह से कुछ खास स्किल नहीं थी, बट अर्निंग लोग कर रहे थे इस तरह फेसबुक आईडी से। तो उस तरह से मैंने भी खैर जो है स्टार्ट किया काम, तो मेरा जो है ना फेसबुक अलाउ ही नहीं थी हमारी तरफ, मतलब बहुत ही एक बुरी चीज़ समझी जाती थी। लेकिन मैंने फेसबुक यूज़ की और मैंने आईडी बनाई इस तरह से, सो मैंने फ्रेंड्स ऐड किए उसमें 5,000 फ्रेंड्स, और वो मैंने सेल की जस्ट 100 रुपीज़ में। तो मेरी जो अर्निंग थी वो 2010 से लेकर 2012 तक मैंने चीज़ें समझी, ये आईडी क्या होता है, बनती कैसे है, ईमेल क्या होता है एट्सेट्रा। तो मेरी अर्निंग जाके स्टार्ट हुई 2012 में, वो भी 100 रुपीज़ जो स्टार्ट की अर्निंग थी।
तो फिर उसके बाद जो है ना, मुझे थोड़ा सा लगा कि यार मैं ये काम कर सकती हूँ। फिर मैंने ठान लिया कि मैंने ये करना ही करना है, और फिर मैं मजीद आगे जो है वो बढ़ती गई, इस तरह से सीखती गई। फिर मैंने जो है एडसेंस की तरफ आई, ब्लॉगिंग की तरफ आई, और एसईओ तो मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता था कि ये एसईओ चीज़ क्या है, कुछ समझ ही नहीं आती थी। खैर 2015 के बाद मैंने फेसबुक पेज वेरिफिकेशन स्टार्ट की, वहाँ से मेरी अर्निंग अच्छी खासी हुई। और फिर जो है 2018 में जो है मैंने ई रोजगार ज्वाइन किया, और मुझे मेरे पास जो थे ना लोकल क्लाइंट्स थे ईमेल के जरिए, फेसबुक के जरिए, इस तरह से थे, बट मेरी जो प्लेटफॉर्म थे फाइवर अपवर्क, यहाँ पे प्रोफाइल बिल्ड नहीं थी। तो वहाँ पे जब मैंने ई रोजगार को ज्वाइन किया, तो ई रोजगार को ज्वाइन करने के बाद जो है ना मुझे ये आइडिया हुआ कि अच्छा इस तरह से प्रोफाइल्स बनानी है, गिग्स कैसे बनानी है, अपवर्क पे प्रपोजल कैसे भेजने हैं। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह मैं टॉप रेटेड अपवर्क पे भी थी, बट अभी नहीं हूँ क्योंकि मेरा थोड़ा सा जो है कम्पलीशन रेट डाउन हुआ है, और फाइवर पे मेरी टॉप रेटेड की जो है रिक्वायरमेंट्स पूरी हो चुकी हैं। और ये फिर ये सारा जो है मैंने ई रोजगार से सीखा है कि कैसे मैं अपने स्किल्स को प्रेजेंट कैसे कर सकती हूँ। बेसिकली तो स्किल्स तो सबके पास होती ही है, काम वही होता है, बट जो है ना आपको प्रेजेंट करना आना चाहिए। वॉइस क्लियर नहीं है। अच्छा, वॉइस का इशू सबको आ रहा है या इन हिरा न्याजी को ही आ रहा है? जस्ट चेकिंग। नेम का मैंने बताया है कि आप जो है ना वहाँ से streamyard.com/facebook पे जाएंगे, तो आपको जो है ना वहाँ पे आपसे वो परमिशन मांगेंगे और आप करवा सकते हैं। मैं एक मिनट स्क्रीन शो करवा के आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे अगर आप आएंगे तो ये एक लिंक है, यहाँ पे आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये आपसे कुछ परमिशंस लेंगे, और उसके बाद आपके जो है ना नेम वगैरह सारे शो हो जाएंगे यहाँ पे, जो यहाँ पे पोस्ट हुई है उसके एंड पे। बिल्कुल ये लिंक है, इसके जरिए आप करवा सकते हैं। अच्छा, अब हम थोड़ा सा चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। वैसे अभी तक 36 ही लोगों ने ज्वाइन किया है, 45 मिनट हो चुके हैं, तो आई थिंक काफ़ी 130 तक तो स्टूडेंट्स हैं, बट अभी तक जो है बहुत ही कम स्टूडेंट्स आए हैं। सर थोड़ा सा वेट करना चाहिए सर, या लेक्चर स्टार्ट कर दूं? नहीं मिस, आप लेक्चर स्टार्ट कर दें, ठीक है, और हम अब सही। लीव करते हैं, अच्छा ठीक है, जी सर। तो हम लोग लीव कर जाते हैं, ठीक है, आप अपनी क्लासेस स्टार्ट करें, और अगेन एक बात शेयर करनी थी ठीक है सर, स्टूडेंट्स थैंक के यू सो साथ। मच। जी, अगर आपको कोई भी सॉफ्टवेयर के हवाले से कोई क्यूरी आती है तो क्यूरी फॉर्म शेयर किया जाएगा ग्रुप में, ठीक है, तो आप उसको फिल करेंगे, देन वो जो ऐसे नहीं होंगे वो आपसे रब्ता कर लेंगे, ठीक है मैम, ये अच्छा, ये आपने सर अगेन कह रहे हैं ये कि बता दिया। अटेंडेंस का भी कोई स्क्रीन शेयर का जो है ना वो बता दे, स्क्रीन शेयर करके, तो मैं स्क्रीन शेयर कर देती हूँ, आप थोड़ा सा साथ रहिए, फिर बता दीजिएगा कि यहाँ पे फॉर्म दिया हुआ है, इसको आपने ओपन करना है, और नेक्स्ट आपके जस्ट पास क्लिक ये करें, फॉर्म ओपन होगा, तो बस इसमें कुछ बताने वाला तो नहीं है, बस यहाँ पे CNIC लिखें, और जो सॉरी नेम सीएनआईसी लिखना है नाम, जो CNIC पे, और यहाँ पे आपने अपना CNIC नंबर लिखना है, यहाँ पे डोमेन सेलेक्ट करनी है, यहाँ पे आपने अपना सेंटर सेलेक्ट करके सबमिट कर देना है। मिस एक और इसमें चीज है, आपने अपना जी सीएनआईसी डैशेस के साथ लिखना है, ठीक है, हाँ जी, ये अगर आप मेंशन इन्होंने डैश, फॉर्मेट किया हुआ है कि जी डैशेस के साथ करना, यहाँ पे किसी का कमेंट आया था कि डैशेस के साथ एक्सेप्ट नहीं हो रहा शायद मिस, बाकी स्टूडेंट्स की अटेंडेंस यहाँ हमारे पे। पास आ रही है, जी सही, तो उन्होंने फिर खुद को मिस्टेक, क्योंकि यहाँ पे आपने बस सिंपल से डैशेस के साथ लिख लेना अपना CNIC, और आपके अटेंडेंस मार्क हो जाएगी। जी यूनिवर्सिटी ऑफ मियांवाली में क्लासेस हैं कुछ स्टूडेंट्स की, मोस्टली क्लास अटेंड कर रहे हैं? नहीं, ऑनलाइन ई रोजगार के सेशन ऑनलाइन नहीं हो रहे हैं, बकर और मियांवाली का एक साथ ही सेशन चल रहा है, यहीं पे फिजिकल कोई सेशन नहीं है। ठीक है, मैं साहब क्लास स्टार्ट करें, ओके, ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। ओके।
यहाँ पे कुछ लोगों को अभी भी फेसबुक यूजर आ रहा है, तो काइंडली वो जो है वो लिंक से अपडेट कर लें और हम चलते हैं अब अपने लेक्चर की तरफ। अच्छा, यहाँ पे किसी को कोई कंफ्यूजन हो, फ्रीलांसिंग है क्या इसमें, किसी को कोई कोई ऐसे कोई चीज हो उनके माइंड में डाउट हो, जो समझ ना आ रहा हो कि ये हम क्या कर रहे हैं, ये हम क्या पढ़ेंगे, ये कुछ भी इससे रिलेटेड हो, तो वो मुझसे पूछ सकता है अभी। फिर जब फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी बेसिकली फ्रीलांसिंग क्या है, वो हम उसके बेनिफिट्स क्या हैं, हम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं ये इसके बाद। अभी जो आपके माइंड में कोई एक भी डाउट है तो वो मुझसे यहाँ पूछ सकते हैं। अच्छा तरीम अशरफ जी, मैं एक्सप्लेन करने ही जा रही हूँ और मैं यहाँ पे जो है स्क्रीन शेयर कर देती हूँ आप लोगों के साथ। सबसे पहले हमारे पास है कि फ्रीलांसिंग है क्या। फ्रीलांसिंग का मतलब है कि आप अपने बॉस खुद दो, आपने जो सर्विसेज ऑफर करनी है वो डिफरेंट क्लाइंट्स को एट अ टाइम आप ऑफर कर रहे होते हो, आप जो है किसी और को जवाब दे नहीं होते, आप कोई मतलब मंथली सैलरी बेस का नहीं होता कि आपने ये काम करना है और आपको मंथ एंड पे जी सैलरी मिल जाएगी, यहाँ पे जो है इस तरह का नहीं होता। आप अपनी मर्जी की सर्विसेज दे सकते हो, आप अपनी मर्जी की प्राइस सेट कर सकते हो, आप अपने मर्जी के क्लाइंट सेलेक्ट कर सकते हो कि आपने किसके साथ काम करना है और किसके साथ काम नहीं करना। अब यहाँ पे क्लाइंट सिलेक्शन की बात आई है, तो जो स्टार्ट में मेरी रिकमेंडेशन होती है स्टूडेंट्स को वो ये होती है कि आप इंडियन, बांग्लादेश और पाकिस्तानी, इनको थोड़ा सा अवॉइड करें। अवॉइड भी थोड़ा सा प्रोफेशनली करना है, मतलब आप उनको कुछ अच्छी सी वो समटाइम्स कहते हैं कि डिस्काउंटेड ऑफर दो, तो आप उनको वो नहीं देनी क्योंकि ये थोड़ा सा ख़राब कर जाते हैं। ये हमें भी पता है कि ये थोड़े से इसी तरह के ही लोग होते हैं, थोड़ा सा जो है ना इशू क्रिएट करते हैं, तो इनको जो है ना थोड़ा सा आपने अवॉइड कर लेना है। अब यहाँ पे मैंने जस्ट एग्जांपल दिया है कि आप कैसे क्लाइंट सेलेक्ट कर सकते हो। लाइक अगर आप चाह रहे हो कि यार इस बंदे के रिव्यूज अच्छे नहीं हैं, इस बंदे के साथ मैं नहीं काम करना चाह रही, आपको डाउट होता है उसकी जो है बातों से कि यार ये बंदा जो है ना बहुत जो उसकी रिस्ट्रिक्शंस हैं बहुत ज़्यादा है, रिक्वायरमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं और ये कुछ अच्छा खासा पे करने वाला भी नहीं है, तो आप जो है वहाँ से अवॉइड कर सकते हैं। आप उसको कह सकते हैं कि नहीं भाई मैंने आपके साथ काम नहीं करना, तो आप जो है ना गुड लक, आप किसी और को ढूंढ लें। आपने ये नहीं लड़ाई करके नहीं करना, ऑब्वियसली प्रोफेशनल वे से करना है। अब फ्रीलांसिंग में जो है ना कुछ एग्जांपल ले रहे हैं कि एक बिजनेस है, उसको वेब डेवलपर की भी जरूरत पड़ेगी जब उसने अपने बिजनेस की वेबसाइट बनानी है, वेब डिजाइनर ऑब्वियसली उसके लेआउट के लिए, कंटेंट राइटर के लिए, डिजिटल मार्केटर, जो जो सारी चीजें जो है ना उसको जरूरत पड़ेंगी। ग्राफिक डिजाइनर की जरूरत पड़ेगी उसको, ऑब्वियसली लोगो वगैरह बनवाना होगा, उसने कंटेंट ऐड करना होगा अपने उसमें ब्लॉग कैटेगरी में, तो उसको कंटेंट राइटर की जरूरत पड़ेगी, और इसके अलावा एसईओ करवाने के लिए, उसके जो है रैंकिंग के लिए, ट्रैफिक लेने के लिए उसको डिजिटल मार्केटर की जरूरत पड़ेगी, और हत्या के उसको लॉयर की भी जरूरत पड़ सकती है। तो ये सारी सर्विसेज जो हैं फ्रीलांसर जो है वो प्रोवाइड करते हैं। अब इसके बाद जो है इसके बेनिफिट्स क्या हैं। अब हर चीज़ के प्रोज और कॉन्स तो होते हैं। अब फ्रीलांसिंग के बेनिफिट ये हैं कि आप जो है बहुत जल्दी स्टार्ट कर सकते हैं, आपके पास स्किल है, आपने फ्रीलांसिंग वेबसाइट पे जाके अपना अकाउंट बनाना है, गिग बनानी है या प्रपोजल भेजना है, डिपेंड करता है कि आपने कौन सी फ्रीलांसिंग वेबसाइट ज्वाइन की है, आपने बस ज्वाइन करना है और दैट्स इट, इसके अलावा और कुछ भी नहीं चाहिए होता। अफोर्डेबल होता है, नॉर्मली हम जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हमें इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ती है, हमें कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करना पड़ता है। यहाँ पे सिर्फ इन्वेस्टमेंट होती है आपको टाइम की, आपको लैपटॉप चाहिए और इंटरनेट चाहिए, और स्किल तो आप ऑफ कोर्स आपके पास ऑलरेडी है। उसके बाद आप यहाँ पे फ्लेक्सिबल आवर्स हैं, कैसे आप अपना टाइम डिसाइड कर सकते हो, आपके पास ऑर्डर आया, अब आपके पास लेट्स सपोज 24 आवर्स हैं, तो आप डिसाइड कर सकते हो उन 24 आवर्स में आपने कब सोना है और कब काम करना है। नॉर्मली जॉब में क्या होता है भाई 8 से 2 आपने काम करना है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, आप इजिली अपने टाइम खुद मैनेज कर सकते हो। आप चाहो तो 8 से 2 सो लो, उसके बाद उठ के काम कर लो, आपको कोई नहीं पूछेगा कि आप ये काम क्यों नहीं कर रहे या क्यों सो रहे हैं, बस आपने काम करना है चाहे वो जिस टाइम में भी करें। यहाँ पे फिर से अगेन से वही बात है कि कंट्रोल ओवर जॉब्स एंड क्लाइंट्स, आपकी मर्जी,
आप किस क्लाइंट के साथ काम करना चाहो, किस के साथ ना करना चाहो, जॉब भी आप अपनी मर्जी की कर सकते हो। डेफिनेटली जो जॉब आपको पसंद होगी, जो स्किल्स आपके पास होंगी, अब वो ही सर्विसेज ऑफर करोगे, आप उसी पे ही काम करोगे। नेक्स्ट बेनिफिट हमारे पास है कि आप कहीं से भी काम कर सकते हैं। अब ये नहीं है कि आपको ऑफिस जाना है, आपको एक प्रॉपर जो है ना एक जगह है वहां पे जाके आप करना है। आप किसी कॉफी शॉप में कर सकते हैं, आप वेकेशंस के लिए कहीं नॉर्दर्न एरियाज में गए हुए हैं वहां पे कर सकते हैं, इफ इंटरनेट इज गुड। वहां पे काफी इंटरनेट का भी इशू होता है, तो मतलब जहां पे आप हैं वहां से आप काम कर सकते हैं, ये कोई पाबंदी नहीं है जैसे जॉब में होता है कि आपने ऑफिस में ही जाके काम करना है। उसके बाद आपका जो भी सारा प्रॉफिट होगा वो आप अपने पास रखेंगे, सारा प्रॉफिट आपका। और फिर अक्सर क्लाइंट्स आते हैं तो उनका प्रोजेक्ट बड़ा होता है, तो हम उनको कस्टम ऑफर देते हैं ज्यादा प्राइस की। पर जॉब में क्या होता है, काम ज्यादा हो कम हो, सैलरी आपको उतनी ही मिलनी है। पर यहाँ पे ऐसा नहीं होता, आपने लेट्स सपोज $5 स्टार्टिंग प्राइस रखी हुई है, तो आप जो है ना उसको कर सकते हैं कि आपके पास जो क्लाइंट है उसने ज्यादा काम करवाना है, तो आप उसको कस्टम ऑफर देकर $50 कर सकते हैं। और ये आपकी कम्युनिकेशन स्किल पे डिपेंड करेगा कि आप $5 वाले क्लाइंट को कहाँ तक लेके जाते हो। यहाँ पे आपकी प्रोफेशनलिज्म यहाँ पे काम आएगी। और ये तो फ्रीलांसर्स की जो है ना मेन एक क्या कहते हैं कि स्किल कह लें, या उनका एक टारगेट होता है कि हमने इस क्लाइंट को, ऑब्वियसली क्लाइंट का और भी काम होता है, वो उस काम को जो है हमने बढ़ाना है, हमने $5 से मजीद करना है। लेकिन ये नहीं करना कि आपकी जो है सर्विस कम चार्जेस वाली और आप जो $50 लगा के बैठे, ऐसे नहीं करना। आपने ये भी नहीं करना कि अर्ली प्रोजेक्ट में काम 1 घंटे का और आप उसको 10 घंटे तक एक्सटेंड कर ले, इस तरह से नहीं करना। आपने उसको मजीद बताना है कि आपकी वेबसाइट पे आपके प्रोजेक्ट पे मजीद क्या काम हो सकता है जो हम करके दे सकते हैं। प्रोफेशनल वे में आपने लेके चलना है चीजों को। और आप अपने खुद ही बॉस होंगे, आपने किसी तीसरे बंदे को नहीं जाके बताना कि आपने ये काम कर लिया है, ये ऐसे किया है। आपने सिर्फ खुद को जवाब देना है और अपने क्लाइंट को देना है। अब यहाँ पे आपने काम करना है अपने हिसाब से, आपको जैसे ठीक लगता है वैसे काम करें, बट आपको रिजल्ट्स डिलीवर करने हैं। आपको कोई ये नहीं रोड मैप नहीं देगा, आपको कोई डिक्टेट नहीं करेगा कि आपने ये काम ऐसे करना है। आपने जो है अपने हिसाब से चलना है, अपनी मर्जी से काम करना है, अपने टाइम पे काम करना है, एट द एंड क्लाइंट को वो रिजल्ट्स डिलीवर करने हैं जो उसने कहे हैं। अब फ्रीलांसर की ऑब्वियसली जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है, फ्रीलांसर्स इंक्रीज हो रहे हैं, कंपटीशन बढ़ रहा है, तो आपको अगर वहां पे अपना एक नाम बनाना है तो आपको क्वालिटी पे फोकस करना होगा, आपको रिलायबल होना होगा। ये नहीं कि आप जी आज आपने फाइवर ज्वाइन किया, अपवर्क ज्वाइन किया, और कल आप कहें कि भाई मेरे पास तो कोई जो है ना क्यों में ऑर्डर आ जाए 10 12 15। आपको रिलायबल रहना है, आपको क्वालिटी प्रोवाइड करनी है, और आपने इस चीज से नहीं डरना कि यार ये सर्विस तो इतने लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। आपने ये देखना है कि इस सर्विस को मैं कैसे बेटर तरीके से दे सकता हूँ, ऐसी कौन सी चीज है जो यहाँ पे मिसिंग है, जिसको मैं प्रोवाइड करके मैं खुद को यूनिक बना लूं। इससे जब आप काम डिलीवर करते हैं, आपने अपने हिसाब से काम किया, अपनी मर्जी से काम किया, जैसे काम किया, किस टाइम काम किया, किसी ने आपसे ये नहीं पूछना। क्लाइंट नहीं पूछेगा कि भाई आपने 8 से 2 काम किया है या 10 से 12 काम किया है। क्लाइंट ने ये नहीं पूछना आपने ये काम कैसे किया है, खुद किया है, टीम है, उसको रिजल्ट चाहिए, आपने उसको देना है रिजल्ट बस। उसके अलावा उसका कोई इससे नहीं है कि आपने कैसे काम किया, कब काम किया, क्या किया। बट फ्रीलांसिंग के कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, ऑब्वियसली हर चीज के एडवांटेजेस भी होते हैं और डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। और फ्रीलांसिंग के डिसएडवांटेजेस ये हैं कि वर्कलोड जो है वो स्टेबल नहीं है। ये नहीं है कि आपके पास डेली के 10 ऑर्डर आते रहे और वो कंटिन्यूस चलता रहे। मे बी आपके पास एक मंथ में 20 30 ऑर्डर आ गए, नेक्स्ट मंथ आपके पास 5 10 आ गए, कभी 2 3 आ गए, स्टेबल चीज नहीं है। दूसरा इसमें जो है वो ये होता है डिसएडवांटेज कि आप अपना जो काम है और पर्सनल टाइम है उसमें थोड़ा सा जो है ना डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते। ऐसे अब आपको लेट्स सपोज के आपके घर में शादी है, बट आपका आ गया फाइवर पे ऑर्डर और आपने टाइम भी रखा हुआ है 24 आवर्स, तो आपने जो है ना वो फिर काम करके उसको 24 आवर्स में देना है। ये नहीं हो सकता कि आप, या तो फिर आप आउट ऑफ ऑफिस यहाँ पे कर सकते हैं कि अगर आप किसी वजह से नहीं अवेलेबल
तो फाइवर में भी ये ऑप्शन है कि आप आउट ऑफ ऑफिस करते हैं तो आपको ऑर्डर नहीं आएगा, आपकी प्रोफाइल आपकी सर्च में नहीं आएगी, बट जब आप उसको ऑफ करेंगे ऑब्वियसली वो फिर डिस्प्ले हो जाएंगी। और इसके अलावा एम्प्लॉय बेनिफिट्स नहीं होता। एम्प्लॉय बेनिफिट्स क्या होते हैं कि जैसे कि घर मिलता है, गाड़ी मिलती है, इस तरह की फैसिलिटीज आपको यहाँ पे नहीं मिलती। ये कुछ जो है, अच्छा अब यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रीम यार्ड में ये इशू है कि जब स्क्रीन शेयर हो रही होती है तो आप लोगों के जो है ना कमेंट्स मुझे नजर नहीं आ रहे होते, क्योंकि स्क्रीन शेयर के साथ ही वो मुझे स्ट्रीम यार्ड के डैशबोर्ड में आके देखना पड़ता है। तो अभी मैंने फ्रीलांसिंग का जस्ट इंट्रोडक्शन और बेनिफिट्स को एंड किया है, और अगर किसी का यहाँ पे कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो वो पूछ सकता है। यहाँ पे किसी ने अटेंडेंस का पूछ रखा है, तो डिस्क्रिप्शन में जो है आपको वहाँ पे लिंक मिलेगा, वहाँ पे प्लीज आप क्लिक करें तो फॉर्म ओपन हो जाएगा। वहाँ पे आपने अपना नेम CNIC विद डैशेज लिखना है, डोमेन सिलेक्ट करनी है, और आपने अपना सेंटर सेलेक्ट करके सबमिट कर देना है। और प्लीज आप ये जिनके नाम के साथ फेसबुक यूजर आ रहा है, मैंने ये भी स्क्रीन शेयर के जरिए भी बताया था, जहाँ पे आपको पोस्ट लाइव की शो हो रही है वहाँ पे नीचे एंड पे एक लिंक है streamyard.com/facebook, तो काइंडली उस पर क्लिक करके उसको परमिशन वगैरह अलाउ कर दें ताकि आपका नेम शो हो जाए। ऑफ द ऑफिस जो है अगर आप कर लें यहाँ पे,